तो बांध बांध की भी बोल रहे, कब से 20 वर्षों से हम भी मतलब बांध बनवा रहे। आज दिन तक सर कोई ना तो बांध बना, ना इनसे पानी आएगा ना आया, सब गलत बात झूठ बात है, कुछ भी नहीं हुआ। बोले गांवड़े गांव में जाके देख लो, नालियों में पानी ऐसे ही बह रहा है, नालियां भी नहीं है गांवड़े गांव में। और वो पहले के 20 साल पहले के वो भद्दा लगे हो ना, वो भद्दा ही लग रहे हैं। ओम प्रकाश सकलेजा के कार्यकाल में कुछ विकास नहीं हुआ है। जापान लेके जा रहे निजी कॉलेज में उनको काम करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, सब विजय सकलेजा है, ओम प्रकाश सकलेजा है, सबकी मिली भगत है। सरकार से करोड़ों रुपए का फंड उठाते हैं वो, विजय ओम प्रकाश सकलेजा जी, उनके जापान में यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर करोड़ों रुपए का फंड उठाते हैं, सरकार से बजट लेते हैं, उसमें खर्च करते हैं और जेब में पैसा रखते हैं। डिकेर में चार जने हैं, चार जने से मिलते हैं, किसान से कभी उन्होंने पूछा भी नहीं है कि नाम के तुम्हारी समस्या क्या है, और उनका जो घर का काम है वही कर रहे हैं बस, नेतागिरी के नाम और कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है ही नहीं उनका, हमारी वर्चस्व ही नहीं है यहाँ पे। ताल गांव में सकलेजा जी आते हैं, कांच लगा के सफेद घड़ी रहती है, मोबाइल या तो मोबाइल देखने लग जाते हैं। गोपाजू के पास सबके पास खाद है, एक किसान को बोलते हैं 1 कट्टा देंगे 400 रुपए लेंगे, किसी को बताना मत। हमारे स्कूल में स्कूल की हालत देखो, सकलेजा जी को 5-4 बगत दे दिए उसको लिख लिख के कागज, कोई काम नहीं करा। स्कूल की बाउंड्री में पानी भरा जाता है, 2-2, 3-3 फीट पानी में से बच्चे निकलते हैं। गाँव का नाम पिपली खेड़ा है और सकलेजा जी ने बांध के लिए झूठा आश्वासन देता है, आता है और झूठा आश्वासन गौशाला में करके गया है, कोई बांध नहीं बनवाया। नमस्कार, आज हम लोग पहुंचे हैं धारडी सहित कुछ गाँव वासियों के बीच में, खासतौर पर हम लोग हैं डिकेन क्षेत्र में मौजूद। अब हम जानेंगे सबसे पहले कि डिकेन के अंदर एक बड़ा सोलर प्लांट लगा था, गाँव के युवाओं को इस सोलर प्लांट का कितना लाभ मिला, मिला या नहीं मिला, और कितने संतुष्ट है यहाँ पर जो है 20 साल के विकास कार्यों से। पिछले 20 साल में जो विकास कार्य हुए हैं कितने संतुष्ट हैं? 20 सालों से ये विकास कार्य था, बहुत दुखी था, कुछ भी काम नहीं हुआ हमारा। सकलेजा जी का कहना है कि यहाँ पे जो सोलर प्लांट लगा है उसमें हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं मिला हमें रोजगार का। सिंचाई योजना के मामले में आप कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सर हम लोग। सकलेजा जी कह रहे हैं कि हम लोग जो है चंबल से पानी लिया है, यहाँ पर कई सारे बांध बनवाए हैं। वो तो बांध बांध की भी बोल रहे, कब से 20 वर्षों से हम भी मतलब बांध बनवा रहे। आज दिन तक सर कोई ना तो बांध बना, ना इनसे पानी आएगा ना आया, सब गलत बात झूठ बात है। आप लोग यहाँ पे युवा लोग हो, कितना लोगों को यहाँ पर अभी रोजगार मिला है जो यहाँ स्थानीय रोजगार है जावा क्षेत्र में या नीमच क्षेत्र में? किसी को कुछ भी नहीं मिला है। तो रोजगार के मामले में आप संतुष्ट हैं? सकलेजा जी का कहना है कि सीमेंट फैक्ट्री है और ये यहाँ पर जो है सोलर प्लांट है, काफी सारे युवाओं को रोजगार मिला है। कहाँ मिला, किसी को, किसी मजदूर को, किसी को रोजगार मिला, कहाँ नहीं मिला है, किसी को भी रोजगार नहीं मिला है। और भी जो काफी सारी योजनाएं हैं उनका कहना है कि हमने आंगनबाड़ी नहीं करवा दी, रोड नहीं करवा दिए, कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र में? कुछ भी नहीं हुआ। बोले गांवड़े गांव में जाके देख लो, नालियों में पानी ऐसे ही बह रहा है, नालियां भी नहीं है गांवड़े गांव में, और वो पहले के 20 साल पहले के वो भद्दा लगे हो ना, वो भद्दा ही लग रहे हैं। कितना कितना विकास हुआ इस क्षेत्र में ओम प्रकाश जी सकलेजा कार्यकाल? बिल्कुल नहीं हुआ। वो कितना विकास हुआ ओम प्रकाश जी सकलेजा कार्यकाल? ओम प्रकाश जी सकलेजा के कार्यकाल में कितना विकास हुआ है? ओम प्रकाश सकलेजा के कार्यकाल में कुछ विकास नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है, कमलनाथ जी सरकार को चाहती है। हमारे 20 साल में आप देख लो, हमें खुद बीकॉम कंप्यूटर कर रखी, मेरे को आज कोई नौकरी नहीं, कोई युवा मतलब मेरे साथ में इतने युवा है कि एक जने को भी किसी ने मतलब रोजगार, मध्य प्रदेश की सरकार ने एक जने को भी युवा को रोजगार नहीं दिया है। कुल सकलेजा जी बोल रहे हैं हम तो युवाओं को जावत लेके जापान लेके जा रहे हैं, वो उनके निजी कॉलेज है, जापान लेके जा रहे हैं, निजी कॉलेज में उनको काम करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, सब विजय सकलेजा है, ओम प्रकाश सकलेजा है, सबकी मिली भगत है, सरकार से करोड़ों रुपए का फंड उठाते हैं वो, विजय ओम प्रकाश सकलेजा जी, उनके जापान में यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर करोड़ों रुपए का फंड उठाते हैं, सरकार से बजट लेते हैं, उसमें खर्च करते हैं और जेब में पैसा रखते हैं। उनका कहना है कि हमने जो है यहाँ सीमेंट फैक्ट्री में बहुत सारे रोजगार दिए हैं। सीमेंट फैक्ट्री में लगभग आप मानते हो उनकी भी हिस्सेदारी है, सीमेंट फैक्ट्री में अगर वो रोजगार दे रहे हैं उनकी हिस्सेदारी है, वो उनके उनके खुद के हिसाब से दे रहे हैं, क्योंकि वो उसमें 5000 कर्मचारी काम करते हैं, तो कर्मचारियों को 5000 कर्मचारियों को वो जिधर चाहेंगे उधर उनका मत देंगे वो। कुल मिला के बात ये है, इसलिए उन्होंने 4 फैक्ट्री लगा रखी है हमारे जावत क्षेत्र में। अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे, 500 उद्योग लगे, एक भी उद्योग आप बता दो मेरे को कि जावत क्षेत्र में युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, अगर उनके फायदे वाला कोई अगर उद्योग हो तो आप मेरे को बता दीजिए। आप काफी जो है पुराने दिख रहे हैं यहाँ पर, 20 सालों से सकलेजा जी यहाँ पर हैं, कितना विकास कार्य हुए हैं? डिकेर में चार जने हैं, चार जने से मिलते हैं, किसान से कभी उन्होंने पूछा भी नहीं है कि नाम के तुम्हारी समस्या क्या है, और उनका जो घर का काम है वही कर रहे हैं बस, नेतागिरी के नाम और कुछ नहीं, बिल्कुल
बिल्कुल है ही नहीं उनका, वर्चर्स ही नहीं यहाँ पे, खाली चार डिकेन में, डिकेन में एक बड़ा सोलर प्लांट लगा है, कितने युवाओं को यहाँ रोजगार मिला है? कई को नहीं सर, सब लिए लागी लागिन बाजा छूट गया सब। सोलर प्लांट तो एक वहाँ भी लगा हुआ है बड़ी में, सोलर प्लांट बड़ी और डिकेन के थे वो सब भी छूट गए सब, यहाँ के एक भी नहीं है अभी। ओम प्रकाश सकलेजा जी कितनी बार आपके गाँव में आए हैं? हमारे सकलेजा कल आए सुबह और एक आदमी से मिले पिपली खेड़ा, लगभग सर 20 साल हो गए, 20 साल में वो इस गांव में आए। वहाँ मैं लुहारे चुंडावत रहता हूँ, लेकिन वहाँ पर अभी एक बार आए थे, एक बार आए थे। आपके गांव का नाम सकलेजा जी? हाँ खाली खींचा शेड से मिलते हैं, बाकी और किसी से किसान से भी पूछते नहीं है कि तुम्हारे क्या समस्या है। आपके गाँव का नाम ताल? ताल गाँव में सकलेजा जी कितनी बार आए हैं? ताल गाँव में सकलेजा जी आते हैं, कांच लगा के सफेद गाड़ी रहती है, मोबाइल या तो मोबाइल देखने लग जाते हैं। हमारे ताल से 4 पंचायतें लगी हुई है, सोसाइटी हमारे गांव में है, हाई सेकेंडरी स्कूल हमारे यहां है। अभी कंडीशन ये है हाई सेकेंडरी स्कूल में 12वीं तक की क्लास कोजिया अम्बा, सिर्फ कोजिया में एक छात्रावास है, इसके अलावा कछला तक का 12वीं क्लास के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, मात्र 4 टीचर हैं। मैं वर्तमान वहाँ का अध्यक्ष हूँ, 10 दफे सकलेचा को हमने बोला टीचर की व्यवस्था। दूसरा शब्द अस्पताल है, नर्स नहीं है, 10 दफे हमने आवेदन दिया, नर्स नहीं है। तीसरी समस्या ये आ रही है, अभी किसानों को खाद की समस्या आ रही है। सोसाइटी में बोपारियों के पास सबके पास खाद है, एक किसान को बोलते हैं 1 कट्टा देंगे 400 रुपए लेंगे, किसी को बताना मत। वो ये कह रहे हैं कि सकलेजा जी ने 20 साल में बहुत विकास किया है, सड़कें बन गई है, पानी आ गया है, शिक्षा भी हो गई है। शिक्षा की तो मैं कंडीशन बता रहा हूँ ना, घनश्याम पाटीदार मंत्री था, 12वीं तक का स्कूल बनाया, जब 10 से 8 टीचर थे, अभी मात्र 4 टीचर है, 8वीं से 12वीं तक 4 टीचर है, और प्राथमिक स्कूल है जिसमें मात्र 1 अतिथि शिक्षक है, 1 टीचर है। क्या पढ़ा है? आपके गाँव का नाम? पिपली खेड़ा। सकलेजा जी कितनी बार है आपके गाँव में? सकलेजा जी अभी आया, कल परसों आया था, कल आया था, आके उनके जो आदमी थे एक दो उनसे मिलके चले गए, कोई विकास की बात करने के लगे, करने लगे तो उसने बोले दूसरों ने के अरे बंद रहो यार, बोलने नहीं दिया उनको। फिर आपके गांव मतलब गांव में विकास कार्य संतुष्ट हैं? नहीं, हमारे स्कूल में स्कूल की हालत देखो, सकलेजा जी को 5-4 बगत दे दिए उसको लिख लिख के कागज, कोई काम नहीं करा, स्कूल की बाउंड्री में पानी भरा जाता है, 2-2, 3-3 फीट पानी में से बच्चे निकलते हैं। आपके गाँव का नाम क्या है? खेड़ा मंदिर का। सकलेजा जी कितनी बार आए गाँव? सकलेजा जी एक भी बार नहीं आए गाँव। गाँव में विकास कार्य के लिए क्या कहेंगे? नहीं हुआ का, विकास नहीं हुआ है, सड़कें बिजली पानी नल सड़कें नहीं बनी अभी, गाँव की पेयजल व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था भी नहीं, हमारे गाँव में नल की व्यवस्था नहीं है, ट्यूबवेल की ट्यूबवेल भी नहीं है पानी। एक जो मेन सवाल है कि डिकेन क्षेत्र के अंदर एक सोलर प्लांट लगा है, कितने युवाओं को रोजगार मिला? किसी को भी नहीं मिला, एक को भी नहीं मिला। तो इतने सालों में जिसे जो बताया जा रहा है कि सकलेजा जी तो बोल रहे हैं कि हम लोग अपने क्षेत्र के युवाओं को जापान पहुंचा रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ भी रोजगार नहीं मिला? नहीं मिल रहा है रोजगार किसी, और रोजगार नौजवान को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ रही है इस क्षेत्र में, बढ़ रही है। क्या कहेंगे आप आपके क्षेत्र में विकास के लिए? आप कौन से गाँव से हैं? कौन से गाँव से हैं? खेड़ा मंदिर का। कितना जो है विकास कार्य हुआ, कितनी बार सकलेजा जी आए? भी नहीं हुआ, एक बार भी नहीं आया अभी तक। कंपनी लगवाई उसमें बाहर की ये सब